हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए, आज हम ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाना सीखेंगे। बची हुई ऊन से हम ये एलिफेंट बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग लगाएंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ से हम लेंगे चैन, हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद इस तरह से उंगलियों में इसको धागे को अटकाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर से इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया लेंगे। हमने शुरू में जो ये तीन चैन बुनी थी, इनको हम एक चैन मतलब डबल क्रोशिया गिनेंगे और इससे अलग हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच हो गए टोटल, 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसको इस तरह से पकड़ के टाइट खींच देंगे, इस तरह से मैजिक सर्कल बना लेंगे हम इस तरह से। अब हम एक दो तीन चैन छोड़ के चौथे वाले में जो ये दिख रहा है आपको, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, टाइट करेंगे और वापस से हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। ये देखिए, अब फिर से जहां हमने इसको अटैच किया था यहां पे, सेम उसी जगह पे इस तरह से हम डबल क्रोशी बनाएंगे। ये देखिए, फिर वापस से इस धागे को हम इस तरह से छुपाते हुए चलेंगे जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, सेम उसी में ही हम इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड रो में हम हर एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। ये देखिए, हर एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे हम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए पैटर्न लेकर आती रहती हूँ। इस तरह से बनाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। दूसरी वाली लाइन में हर एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। पहले वाले में हमारे 12 डबल क्रोशिया थे पहली वाली लाइन में, दूसरी वाली में 12 का डबल हो जाएगा, यानी कि 12 का 24 हो जाएगा। ये देखिए, हर एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब वापस से एक दो तीन चैन छोड़ कर चौथे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन ले ली, फिर से जहां हमने इसको अटैच किया था उसी में बुनेंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इससे अगले वाली चैन में, सेम चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब इसी में ही हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से इसे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में, इसमें देखिए
एक ही चैन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करते हुए यहाँ तक करके अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया। पहली रो ये जो पहली वाली लाइन थी इसमें हमने लिए थे 12 डबल क्रोशिए, इससे अगले वाली में हर एक चैन में दो डबल क्रोशिए बनाते हुए हमने दूसरी रो को कंप्लीट किया। तीसरी वाली में एक एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने तीसरी वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम ये देखिए जो ये लास्ट वाली, जैसा हम पहले तीन चैन छोड़ चौथे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। कर दिया। अब एक दो एक दो दो चैन छोड़ करके तीसरे वाले के पिछले वाले लूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इन दोनों में नहीं पिछले वाले रूप में इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गया। फिर से सेम होल में हम इसी तरह से टोटल हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे, पहले तीन हो गए, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये नौ नौ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे सात चैन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन हो गई। अब पहले वाली चैन को छोड़ के दूसरे वाली चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, इससे अगले वाले में भी सिंगल क्रोशिया। अब इन एक दो तीन तीन में लेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, एक दो तीन, ये हो गया। देखिए अब इस वाले में हम इस तरह से लेंगे इसको, ये एक डबल क्रोशिया यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब एक दो एक चैन छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए अटैच कर दिया। अब हम हर एक चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ हम छह स्लिप स्टिच बनाएंगे, सॉरी ये एक दो हो गया, तीन, चार, पाँच, ये छः, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः हो गए। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद इस तरह से इससे अगले वाले चैन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशे हो गए। अब फिर हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, दो चैन बनाने के बाद सेम इसी में ही इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए अब इसको अगले वाले चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर स्लिप स्टिच, दो स्लिप स्टिच बना लिए। अब फिर हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो, ये तीन, तीन चैन लेने के बाद फिर से इससे अगले वाली चैन में यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, एक उसी चैन में दोबारा से दो, फिर से दो चैन लेंगे, एक दो, फिर से सेम होल में इस तरह से स्लिप स्टिच
अटैच कर देंगे। फिर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको हम ये देखेंगे इस तरह से, हमें इसकी सीध में लेना है। अब देखेंगे यहाँ से इसके सेंटर में लगभग यहाँ पे हमको बनाना है, देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात स्लिप स्टिच बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो गया सात, सात स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन लेंगे। अब हर एक चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से फिर सेम उसी में ही ये दे। अब इसे अगले वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, हम हर एक चैन में यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी ये देखिए स्लिप नॉट लगाते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक जहाँ पे हमने इसको पहले जोड़ा था वहीं तक हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमने यहाँ पे पीछे वाले लूप लिया था, जो हमने ये बनाए थे वो पिछले वाले लूप में से बनाए थे, अब हम ये अगले वाले लूप में से यहाँ से इस वाले फंदे में से देखिए ये अब देख सकते हैं, इसमें से हम यहाँ पे 11 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह, ग्यारह डबल क्रोशे बना ली। अब इस धागे को हम इस तरह से लंबा करेंगे और इसको छोड़ेंगे। अब जहाँ हमने ये अटैच यहाँ से बनाना शुरू किया था, ये वाला फंदा उठाएंगे इस तरह से और इसको यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे, टाइट खींचेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच एक नॉट लगा देंगे जोड़ करके, ये देखिए। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे, सुई लेंगे और इसको यहाँ से बैक साइड को तरफ निकाल देंगे इस धागे को, दे दे। ये देखिए कान बन गया इसका। अब हम पीछे की साइड इस धागे को यहाँ पे छुपा देंगे, और इस धागे को भी यहाँ से काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम आँख लगाएंगे। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन हो तो आप उससे लगा सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, तो मेरे पास ये डबल साइड टेप है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काटूंगी मैं, इस तरह से
और इसको यहाँ पे अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो ये नवा फंदा है यहाँ पे हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। फिर एक कागज़ हटाएंगे और इस पर आइज को चिपका देंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से ये एलिफेंट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर से करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।